आजकल एमिवे नाम को जानने की दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनके फेमस रैप सॉन्ग्स या फिर रफ्तार के साथ हुआ उनका झगड़ा। इसलिए शायद हमने इस आर्टिस्ट की लाइफ की असली कहानी में बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया है। उसी अधूरी कहानी को जानकर हम उस आर्टिस्ट की आर्ट को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। मगर शुरू करने से पहले, अगर आप अपनी सिंगिंग पर फीडबैक चाहते हैं या उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेट माई सिंगिंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो हमारी कहानी शुरू होती है 10th क्लास से। एमिवे उस समय LHS मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा इस क्लास तक, लेकिन जब वे 12th तक पहुँचे तो उनके ग्रेड्स कम होने लगे, पर रैपिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और जब वे 12th क्लास में फेल हो गए तो डिप्रेशन ने उनका साथ ले लिया। उस समय उनको अपने फ्यूचर में रैपिंग के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ साल पहले तक तो वे डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते थे, मगर अब केवल उनकी आर्ट ही उस डिप्रेशन में उनका सहारा बनी। शुरू में उन्होंने मस्ती में कुछ रैप सॉन्ग्स बनाए, लेकिन कुछ समय बाद उनको पहचाना जाने लगा और वो भी रैपिंग के लिए सीरियस हो गए। मगर इस करियर में शुरू में बहुत स्ट्रगल सामने आए। एमिवे हार्ड रॉक कैफे नाम की जगह पर हेल्पर का काम करते थे और अपने घर वालों से कभी रैप सॉन्ग्स बनाने के लिए रुपए भी नहीं मांगे। एमिवे सच में ही बहुत खुददार है। मगर अब वे इतने फेमस हो चुके हैं कि जहाँ पे काम किया करते थे, अब वहाँ पर जाते हैं अवार्ड्स लेने। उनकी इस कहानी की वजह से ही तो हम एमिवे आर्टिस्ट और पर्सन को अच्छे से जान पाए हैं।